तो एक बार आपका फिर से स्वागत है एम्पलीट्यूड क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि अपन ने जो पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट जो क्वेश्चन रिलेटेड थे, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट जो ऑसिलेशन थे उसमें जो क्वेश्चन रिलेटेड थे उनके बारे में देखा था। अब देखो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात कर रहे थे अपन जनरली, उसके बाद अपन क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम आप जैसे जानते हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम वह पॉइंट होता है जिसके ऊपर पार्टिकल स्टेबल होता है, जिसपे क्या होता है फोर्स जीरो होता है, यानी क्या होता है फोर्स जीरो होता है। मान लो कि यू और एक्स के अंदर ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, मान लो आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करने होंगे, आगे अपन करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपने, और ग्राफ भी प्लॉट करना आपको सिखाएंगे अभी। देखो मान लो कि ये पॉइंट है यहाँ पे, ये पॉइंट पे क्या है पार्टिकल एट एक्स स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। मान लो इसको इधर खिसकाओगे आप इस पार्टिकल को, तो ये किधर आने की कोशिश करेगा, इस साइड आने की वापस कोशिश करेगा स्टेबल पॉइंट की तरफ। यदि आप इस पार्टिकल को इधर खिसकाओगे तब भी ये इधर आने की कोशिश करेगा, मतलब स्टेबिलिटी की ओर जाएगा ये पार्टिकल कैसे भी जाए, ठीक है ना। आप भी देख लो कभी भी कोई, मतलब आपको जहां अच्छी सुरक्षा महसूस होती है वहीं आप जाने की कोशिश करते हो, तो उसी तरीके से इस पार्टिकल को जहां स्टेबल महसूस होगा जहां पे वहीं जाने की कोशिश करेगा। जिस तरह मान लो यहां पे एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल को मैं क्या बोल रहा हूं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल रहा हूं, क्योंकि देखो इस पार्टिकल को यदि स्लाइटली इधर डिस्प्लेस किया तो इधर आ जाएगा, और इस तरफ करोगे तो इस साइड आ जाएगा, ये मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। आप इसको इधर किसके आगे छोड़ दो वापस इधर ही आएगा, इसको यहां छोड़ दो यहां तक ही आएगा, ठीक है ना। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उन्हें अनस्टेबल और स्टेबल पॉइंट में अपन ने दो तरह से डिवाइड किया है। तो देखो पहले छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है इस पॉइंटों में। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पॉइंट की बात करते हैं, एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी हैज लोकल मिनिमम, क्या होगी लोकल मिनिमम, यानी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर एक्स नॉट, एक्स नॉट क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या होगी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये तो अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, आपको ध्यान में रखना। जैसे अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन किया था उसमें तीन वैल्यू आई थी x x की, तो आपने देखा कि जो x बराबर जो जीरो था उस पे वैल्यू क्या आ रही थी, वैल्यू आ रही थी नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब वो क्या था लोकल मैक्सिमा था, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट नहीं था, इसलिए अपने वो कौन सी वैल्यू काम में ली थी जो लोकल मिनिमम वाली वैल्यू थी। इस तरीके से यदि बात करें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट की, तो एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी लोकल मैक्सिमा, क्या होगी लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा मतलब क्या, और डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एट एक्स बराबर एक्स नॉट इज ए नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन ने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखा। अभी क्वेश्चन देखते हैं, देखो कल भी देखा था इस क्वेश्चन को, और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। क्या होगा भाई, देखो पहले क्वेश्चन देखो क्या है, एट ए पार्टिकल यूनिट मास, उसका मास कितना है यूनिट मास दिया हुआ है, मूव इन ए पोटेंशियल वी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन अबाउट मिनिमम पोटेंशियल, किसके अबाउट करना आप लोगों को मिनिमम पोटेंशियल की। तो मैंने कल ही बताया था आपको इस टाइप के जैसे क्वेश्चन होगी तो आपको दिया हुआ आएगा सबसे पहले वी, क्या आएगा वी एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पोटेंशियल, पोटेंशियल दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले स्टेप क्या कहती है अपनी कि आप क्या करो डेल वी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स करो, और एट एक्स बराबर जीरो एक्स बराबर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करो एक्स नॉट की। तो जैसे आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा टू ए एक्स और माइनस टू बी एक्स क्यू, ये आएगा इक्वल्स टू एट एक्स बराबर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, यहां से वैल्यू फाइंड आउट करो एक्स नॉट की। तो क्या आएगी, यहां से एक्स कॉमन लो तो एक्स नॉट कॉमन आ गया, तो क्या बचा अंदर टू बी कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा अपना, यहां से बचेगा कितना ए माइनस बी अपॉन एक्स नॉट की पावर फोर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहां से एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एक वैल्यू आ गई अपने पास जीरो। दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, दूसरी वैल्यू मिलेगी यहां से देखो वन अपॉन एक्स नॉट की पावर फोर इक्वल्स टू ए अपॉन बी, आप यहां से क्या लिख सकते हो इसको एक्स नॉट की पावर फोर और बी अपॉन ए, या फिर आप एक्स नॉट की जो वैल्यू लिख सकते हो लिख सकते हो बी अपॉन ए की पावर वन बाई फोर, ठीक है। अब आपको एक चीज चेक करनी है, सबसे पहले डबल डेरिवेटिव चेक करना है। देखो डबल डेरिवेटिव क्या चेक करोगे, डी टू वी
एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि अपने को लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा चेक करना है, तो डी टू बी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो एट, अब चेक करेंगे, सबसे पहले देखो इसका डबल डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, इसका डबल डेरिवेटिव आएगा अपने पास 2a माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6b अपॉन x की पावर 4, ये अपने पास आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब यदि अपन क्या रखते हैं, सबसे पहले x इक्वल्स टू क्या रखते हैं अपन, 0 रखते हैं, तो ये तो वो पॉइंट होगा नहीं, क्योंकि देखो डबल डेरिवेटिव जब 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, यदि अपन क्या रखते हैं, दूसरा पॉइंट रखते हैं डी टू वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एट एक्स बराबर बी अपॉन ए की पावर 1/4, ये रखो एक्स नोट की वैल्यू। तो एक्स नोट की वैल्यू जैसे ही आप यहां रखोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी अपने को, देखो 2a पर x की जगह अपने को वैल्यू रखनी है b अपॉन, डबल डेरिवेटिव में रखनी है, तो देखो 2a तो ऐसे कैसे रहेगा, कुछ वैल्यू नहीं रखनी है यहाँ पर। ठीक है, और प्लस 6b अपॉन x की जगह वैल्यू रखोगे तो b अपॉन a, और b से b गया a ऊपर जाएगा, कितना आएगा 8a। इस अबाउट के जो डबल डेरिवेटिव है वो कितना आ गया 8a, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, k बोलते हैं, मैंने कल ही बोला था k बोलते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ओमेगा इक्वल्स टू रूट k बाई m, यही होगा। मास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यूनिट मास दिया हुआ है, तो मास की वैल्यू 1 होगी, तो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी क्या आ गई अपने रूट 8a, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट को जो क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं उनको। अब अपन बात करते हैं, देखो अब जो टॉपिक आ रहा है वो बाउंड और अनबाउंड मोशन का है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे पार्टिकल जो बाउंड बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, उसकी एनर्जी के बारे में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है कि जो आपको x वर्सेज v का ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, क्योंकि आगे जो स्पेस ट्रेजेक्ट्री है उसके अंदर आपको x और v के जो ग्राफ है वो प्लॉट करने पड़ेंगे, उसी से आप मोमेंटम के अंदर ग्राफ प्लॉट कर पाओगे स्पेस ट्रेजेक्ट्री के अंदर, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो काफी दूर हो जाएगी। x और vx का जो आपको ग्राफ है वो प्लॉट करना आना चाहिए। तो देखो क्वेश्चन रिलेटेड हो स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट से तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। अब अपन आगे बात करते हैं बाउंड और अनबाउंड जो मोशन है उस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और उनको किस तरीके से अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन रिलेटेड टू बाउंडेड और अनबाउंडेड मोशन। यदि इस पे भी क्वेश्चन आता है, आईआईटी जैम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इसका, नेट में इतना क्वेश्चन नहीं है, बट ये जो टॉपिक है ये एक साथ ही आता है, क्योंकि आपको जो ये टॉपिक जो ये क्वेश्चन है ये सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप होती है वो यही होती है कि आपको x और vx का जो ग्राफ है वो प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये जो x और vx का ग्राफ है ये आपको स्पेस ट्रेजेक्ट्री में भी बनाना पड़ेगा, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्पेस ट्रेजेक्ट्री से क्वेश्चन आता ही आता है मे बी। तो आप क्या सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन रिलेटेड टू बाउंडेड एंड और अनबाउंडेड मोशन, या फिर इसको बोल सकते हो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ एनर्जी गिवन vx, क्या दिया हो vx, तो आपको क्या करना है टू आंसर सच क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चनों को आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लॉट x vx एंड x, आपको क्या करना है ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बिटवीन, vx पोटेंशियल और x के बिटवीन। मान लो कि ये ग्राफ है vx और x के बीच में, और ये पोजीशन है x1 और ये है x2। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो ये हिस्सा क्या बोल सकते हो इसको क्वांटमली, आप क्या बोलते हो इसको, पोटेंशियल वेल बोलते हो, क्या बोलते हो पोटेंशियल वेल बोलते हो, यानी गड्ढा बोलते हो। ठीक है, उसके साथ ये क्या बोलते हो आप, पोटेंशियल बैरियर बोलते हो, इसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको देखो मोशन इज बाउंडेड, मोशन बाउंडेड होगी इफ पार्टिकल इज विद इन ए पोटेंशियल वेल, या फिर किस रीजन में हो पार्टिकल, लोकल मिनिमा रीजन के अंदर हो। लोकल मिनिमा मतलब यहां पार्टिकल होगा तब वो क्या किसके अंदर होगा, वेल के अंदर होगा तब वो क्या होगा, पार्टिकल
बाउंडेड होगा, ठीक है। तो देखो, इन फिगर शोन मोशन ऑफ पार्टिकल इज बाउंडेड, ये जो आपको फिगर दिया हुआ है इसमें जो पार्टिकल होगा वो जब कब बाउंडेड होगा, जब x1 जो x की वैल्यू होगी वो किसके बिटवीन होगी, x2 और x1 की, मतलब यहां होगा वो पार्टिकल, ठीक है। इसके अंदर तो इस टाइप के क्वेश्चन है, उनमें भी आपको क्वेश्चन बताएंगे आगे। पर देखो, कंडीशन ऑफ एनर्जी फॉर बाउंडेड मोशन आपको याद रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन, क्योंकि इसी से आपको बाउंडेड जो कंडीशन है वो निकालनी पड़ेगी। तो आप इसको ध्यान से रखें, जो पोटेंशियल थी जहां पे मिनिमम वो मिनिमम, टोटल एनर्जी और हाइट ऑफ लोअर बैरियर, किसकी, लोअर बैरियर की आपको हाइट लेनी है, जो आपको क्वेश्चन आगे जब करवाएंगे जब बताएंगे किस टाइप से आपको क्वेश्चन लेते हैं। बट देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको जरूरी है कि सबसे पहले क्या प्लॉट करना आना चाहिए, Vx और x का ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। वैसे आपको ग्राफ आते होंगे, मे बी किसी भी तरीके से ग्राफ प्लॉट करो, बट देखो एक मेथड से जब अपन ग्राफ करते हैं, जो प्लॉट करने का जो तरीका है वो देखते हैं अपन। अब किसके अंदर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं अपन Vx और x के बिटवीन, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सी जगह काम में आएगा। देखो, अपने जो बाउंडेड और अनबाउंडेड जो मोशन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से अपन सोल्व करेंगे, उसके लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको जो पोटेंशियल दिया हुआ है उसको एक्स के साथ आपको प्लॉट करना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप हैं, वो आप इस तरीके से आप यदि प्लॉट करोगे तो इजीली प्लॉट हो जाएगा और वो आपको स्पेस ट्रेजेक्टरी में भी हेल्प करेगा। तो देखो, हाउ टू ड्रॉ ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वर्सेज एक्स के बीच में आपको यदि ग्राफ प्लॉट करना है तो किस तरीके से करोगे। सबसे पहले स्टेप है आपको पुट एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, जो भी फंक्शन दिया हुआ उसको जीरो के इक्वल रखना है, और जीरो के इक्वल रखने के बाद आपको क्या, देन फाइंड एक्स, और उससे क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। ध्यान रखना, आप एक स्टेप टू स्टेप चलना आपको। उसके बाद डी बाई डी एक्स, डी एफ बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव करके एक्स की जगह एक्स नॉट पुट करना है, और उसको जीरो के इक्वल रख के आपको एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी और एक्स नॉट की। अब क्या करना है, अब देखो, फाइंड पोजिशन ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा विद द हेल्प ऑफ डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर। आपको चेक करना कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर आपको पता लग जाएगा कि मैक्सिमा या मिनिमा है। तो ये चेक करना है, सो ऑल एक्स एंड एक्स नॉट ऑन एक्सिस, जो भी पॉइंट आए उनको एक्सिस पे आपको प्लॉट करने, मतलब प्लॉट करने हैं। उसके बाद कनेक्टेड, कनेक्ट ऑल एक्स पॉइंट, एक्स के जितने भी पॉइंट है उनको कनेक्ट करना है बाई मेकिंग अप्रोप्रिएट मैक्सिमा एंड मिनिमा एट एक्स नॉट। आपको एक्स नॉट पे मैक्सिमा या मिनिमा देखना है और एक्स को कनेक्ट करना है विथ हेल्प ऑफ एक्स नोट, और एक्स नोट पे आपको क्या चेक करना है, मिनिमा या मैक्सिमा मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जो मिनिमा होगा उसके लिए लूप ऐसे बनाना है और मैक्सिमा के लिए लूप आपको ऐसे बनाना है। तो इस तरीके की सिचुएशन से आप सोल्व करोगे तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा सोल्व करने में, देख तो जो क्वेश्चन है वो अच्छे से सोल्व कर सको। इसलिए अपन चलते हैं, एक दो या तीन ग्राफ प्लॉट करके बताता हूँ, बाकी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, जितने भी आपको दिए हुए स्पेस ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आप खुद प्लॉट करके चेक कर सकते हो। आगे जब स्पेस ट्रेजेक्टरी का टॉपिक होगा तब बताएंगे किस तरीके से ये हेल्प करता है स्पेस ट्रेजेक्टरी के अंदर। देखो, पहले अपन बात करते हैं किसकी, एक क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे अपन ये दो ग्राफ प्लॉट करके चेक करते हैं। देखो, पहला ग्राफ है अपना वी एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ अपने पास कितना, 1/4 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आपको करना क्या, स्टेप फर्स्ट क्या कहती है आपकी, स्टेप फर्स्ट, स्टेप टू स्टेप चलोगे तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व करते हो। स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको ये कहती है कि वी एक्स को आप किसके बराबर पुट करो, जीरो के इक्वल पुट करो, और वहां से वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है आपको, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, जैसे मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो 1/4 और एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई x की, प्लस माइनस रूट 2, क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है फर्स्ट चीज। तो सेकंड चीज, अपनी स्टेप सेकंड कहती है कि आप इसका डेरिवेटिव करो, स्टेप सेकंड, तो क्या होगा, डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है। और एट एक्स बराबर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो क्या करना होगा आपको, देखो 1/4 ऐसे कैसे, और इसका आकलन क्या होगा,
डेरिवेटिव क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस टू और ये आ गया टू, इसके अंदर वाले क्या करोगे तो टू एक्स, ठीक है, एट एक्स नॉट एक्स बराबर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब क्या रखना है आपको, एक्स बराबर एक्स नॉट रखना है, ठीक है। अब देखो तो टू से ये कैंसिल, तो एक तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, दूसरी एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस रूट टू। अब आपकी तीसरी जो स्टेप बोलती है वो ये बोलती है कि आप एक काम करो, डबल डेरिवेटिव करो किसका, डी टू वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वो क्या आएगा देखो, तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का तो गया टू एक्स, और ये एक्स ऐसे कैसे, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस इसका चेक करो, देखो एक्स स्क्वायर एक्स को इसका एक्स स्क्वायर माइनस टू ऐसे कैसे, ठीक है, और एक्स का हो गया वन, तो क्या लिख सकते हो इसको, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब इसको चेक करना, देखो सबसे पहले चेक करते हैं डी टू वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर जीरो, एक्स नॉट बराबर जीरो, पहला पॉइंट ये है ना, एक्स नॉट पे चेक करो, एक्स नॉट जीरो रखोगे जैसे ही तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टू, और माइनस टू का मतलब क्या है, लोकल लोकल मैक्सिमा, क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है डी टू वी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर प्लस माइनस रूट टू, दोनों में किसी में भी रखो चाहे, तो वैल्यू जैसे ही रूट टू रखोगे तो क्या आएगी, टू फोर और टू सिक्स माइनस टू, इसका मतलब कितना बच गया, फोर, प्लस का इसका मतलब क्या आएगा, प्लस फोर पे क्या होगा, ये हो जाएगा अपना मिनिमम, ठीक है। अब देखो यहां पे लोकल मैक्सिमा आ गया, लोकल मिनिमम आ गया, एक्स नॉट की पॉइंट। अब आपको क्या बोला गया स्टेप के अंदर कि आप सारी वैल्यू को कनेक्टेड कर दीजिए आपस में, एक्स और एक्स नॉट की वैल्यू को पहले आप ग्राफ में प्लॉट कीजिए। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी आई हुई थी अपने पास, प्लस माइनस रूट टू, तो मान लो कि ये वैल्यू आ गई अपने पास माइनस रूट टू और ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, प्लस रूट, ठीक है। उसके बाद एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई, एक तो जीरो और बाकी क्या आई है, एक्स नॉट प्लस माइनस रूट टू ही आई है। तो आप एक काम करो, देखो एक्स नॉट पे क्या मिला आपको, एक्स नॉट पे मिला है लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमा देखो इसको इस तरीके से करो, यहां पे लोकल मिनिमा है दोनों पे, है कि नहीं है, मिनिमा है प्लस माइनस रूट टू पे और मैक्सिमा पे क्या है, लोकल मैक्सिमा। तो इस तरीके से इन वैल्यू को आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, तो ये आपका क्या ग्राफ हो जाएगा, ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, किस किस के बिटवीन, एक्स और वी एक्स के। आपको यही ध्यान रखना है कहां पे लूप बनाना है, देखो एक्स जीरो पे क्या था, मैक्सिमा था, तो लूप कैसे बना, ऐसे, और मिनिमा पे लूप ऐसे, ठीक है। तो ये आपको एक्स और वी एक्स के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना है। अब आप आगे देखते हैं, देखो एक ग्राफ और दिया हुआ आपके भी साथ साथ ही, और भी ग्राफ है काफी, प्लॉट कर सकते हो आप, जैसे स्पेस ट्रेजेक्ट्री के जो भी क्वेश्चन है उनमें ग्राफ प्लॉट कर सकते हो आप। देखो देखो सेकंड ग्राफ क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो दिया हुआ अपने पास वी एक्स इक्वल्स टू माइनस का एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो देखो सबसे पहले स्टेप यही कहती है अपनी स्टेप, क्या वी एक्स बराबर क्या रखोगे आप, जीरो, क्या रखोगे, जीरो। उससे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करोगे आप, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचा अंदर, माइनस का वन बाई फोर और प्लस वन बाई टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से एक्स की एक वैल्यू तो कितनी आ गई मेरे पास, आ गई जीरो। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट टू, ठीक है। बस यही फाइंड आउट करना था आपको कि एक्स की वैल्यू क्या आएंगी। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या कहती है कि आप एक बार डेरिवेटिव करो, यानी डी वी एक्स बाई डी एक्स करो और एट एक्स बराबर एक्स नोट रखो और वैल्यू फाइंड आउट करो किसकी, एक्स नोट की। तो करो क्या आएगा, माइनस का फोर एक्स क्यूब बाई फोर प्लस टू एक्स बाई टू,
और क्या रखना x बराबर x नॉट और किस इक्वल टू जीरो। तो 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई x नॉट, तो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा x नॉट स्क्वायर माइनस का और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो x नॉट की वैल्यू आ गई एक तो 0 और एक आ गई x नॉट की वैल्यू प्लस माइनस 1। ठीक है, अब ये तीन वैल्यू आ गई। अब ये तीन वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना होता है, ये चेक करना होता है कि वैल्यू कहां पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा है। तो एक काम करो, इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, ये आ गया आपका डी टू वी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर। अब सबसे पहले मैं क्या रखता हूं, एक्स नोट को चेक करता हूं। जैसे ही मैंने एक्स नोट रखा डी टू वी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर में, एक्स नॉट बराबर मैंने रखा 0, तो वैल्यू जैसे ही 0 रखूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी प्लस 1, और प्लस 1 का मतलब क्या हो गया लोकल लोकल मिनिमा। ठीक है, अब देखो दूसरी वैल्यू आप प्लस और माइनस कुछ भी रखो, वैल्यू क्या मिलेगी ऑलवेज आपको प्लस माइनस रूट टू रखोगे तो क्या आएगी, प्लस माइनस 1 रखोगे तो क्या वैल्यू आएगी माइनस 2 डी टू वी बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स बराबर प्लस माइनस 1, क्या वैल्यू आएगी माइनस का 2, और माइनस 2 का मतलब क्या हो गया मैक्सिमा, इसका मतलब प्लस माइनस 1 पे क्या होगा मैक्सिमा। ये सारी चीजें आने के बाद आपको वापस से क्या करना है, जिस तरीके से पहले वाला ग्राफ प्लॉट किया था उसी तरीके से आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज को आपको क्या करना है एक्सिस पे नोट करना है। तो ये मान लो, ये मान लो, ठीक है, अब मानो x बराबर 0, ठीक है, और रूट टू का मतलब कितना हो गया 1 पॉइंट कुछ, इसका मतलब ये मान लो यहां पे रूट माइनस रूट टू और यहां पे प्लस रूट टू और यहां पे क्या है x बराबर 0। एक काम करते हैं, प्लस माइनस क्या आएगा, यहां पे तो माइनस 1 है और यहां पे प्लस 1 है। तो देखो आपको x की वैल्यू को कनेक्ट करना है, मतलब x की मतलब रूट टू और रूट टू को कनेक्ट करना है, बीच में आपके x नोट कितने पड़ रहे हैं माइनस 1 0 और x नोट, तो उससे पहले आपको माइनस वन पे आपको क्या चेक करना है मैक्सिमा है ना, और मैक्सिमा के लिए ग्राफ कैसे बनता है नीचे की तरफ लूप, तो आप यहां पे क्या करोगे इसको यहां पे इस पे क्या करोगे इस तरीके से लूप बनाओगे, ऐसे ही मैक्सिमा पे इस तरीके से लूप बनाओगे। बना दिया, जीरो पे क्या है एक्स नोट, जीरो पे क्या है प्लस 1 यानी मिनिमम, मिनिमा के लिए आप ऐसे ग्राफ प्लॉट करोगे, तो इसको आप ऐसे मिलाओगे, इसको आप ऐसे, और आप क्या ले आओगे यहां से इस तरीके से नीचे की तरफ, तो ये किसमें आपका ग्राफ हो गया एक्स वर्सेज Vx का ग्राफ है प्लॉट हो गया। आप किसी का भी ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो, और आपको ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए बाउंड और अनबाउंड मोशन के लिए, ये जरूरी है। ठीक है, आगे अपन कहां काम में लेंगे इनको, स्पेस ट्रेजेक्ट्री के अंदर आप में काम में लेंगे। तो यहां तक जो पार्ट था क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो जो सिंपल पार्ट था और जहां से एक आध क्वेश्चन पूछा जाता है, जरूरी नहीं था कि यहां तक कोई क्वेश्चन आता ही है, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं थी इन टॉपिकों की कि हर बार क्वेश्चन पूछा जाए। बट अब जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट, जो यहां से अपन लैग्रांजियन मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां से जो टॉपिक्स हैं वो मोस्टली नेट एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं और उनका वेटेज भी काफी अच्छा होता है। तो आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की जो लैग्रांजियन मैकेनिक्स का है। तो लैग्रांजियन मैकेनिक्स में पहले अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किस लिए और किस तरीके से इनको फाइंड आउट किया जाता है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है लैग्रांजियन मैकेनिक्स में। तो आपने देखा होगा कि जो लैग्रांजियन मैकेनिक्स है वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड करती है एनर्जी पे, जबकि न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स है वो किस पे डिपेंड कर रही थी टोटली फोर्स पे। तो जो लैग्रांजियन मैकेनिक्स है वो क्या है एज ए एनर्जी के रूप में होती है और जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो एज ए फोर्स के रूप में है ना। तो अपन बात करते हैं अपन लैग्रांजियन मैकेनिक्स। अपन अब एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जैसे कि मैंने बताया था कि अपने क्लासिकल मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और लैग्रांजियन मैकेनिक्स। और मैंने ये बात भी बोली थी कि अपन जो बेसिक पार्ट है उसी शायद नेट के लिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का कम पार्ट आता है नेट में, बट आता जरूर है। तो मैंने कुछ टॉपिक पे डिस्कस किया जो अपने जो नंबर में आपको बेनिफिट करेंगे काफ़ी।
अब अपन बात करते हैं जो मेन क्लासिकल मैकेनिक्स अपनी फॉर लैग्रांजियन मैकेनिक्स, और लैग्रांजियन मैकेनिक्स में से क्वेश्चन 101% आते हैं, और अब जो टॉपिक आएंगे वो नेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फॉर बेसिकली अपन बात करेंगे लेविस विटा टेंशन की, स्पेस ट्रेजेक्ट्री की, या सेंट्रल फोर्स मोशन की, तो उनसे क्वेश्चन आते ही हैं। लैग्रांजियन है, हैमिल्टोनियन है, स्मॉल ऑसिलेशन की थ्योरी है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अपन बात करते हैं आज से एक नए टॉपिक के ऊपर, वो है लैग्रांजियन मैकेनिक्स, और ये कंपेरिजन टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स ईजी पार्ट पड़ता है। तो देखो इसको अपन नोट्स भाई आप बना सकते हो इजीली। अपन देखो लैग्रांजियन फॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी लैग्रांजियन जो फॉर्मुलेशन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स का किस टाइप से होता है। देखो इट इज ए बेस्ड ऑन एनर्जी, किस पे बेस्ड होती है कंप्लीटली आपको इस एनर्जी। देखो आप जब लैग्रांजियन यूज करोगे तो आपको मेनली लैग्रांजियन लिखने का तरीका एल बराबर टी माइनस वी होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कंप्लीटली बेस्ड किस पे है, एनर्जी पे। बट जैसे ही आपको बतलाए न्यूटोनियन फॉर्मुलेशन विच बेस्ड ऑन फोर्स, क्योंकि आपको जब भी न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात की जाती है तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए बात करोगे, और किसकी बात करोगे, फोर्स की बात करोगे। तो जैसे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि लैग्रांजियन मैकेनिक्स में आप ज्यादातर जो फोकस करोगे वो किस पे करोगे, एनर्जी पे फोकस करोगे। और मैंने अभी इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें बताया भी था कि जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर जो टू मासेज की जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, टू चार्जेस सिस्टम है उसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको आगे देखो इट इज जस्ट अनोदर फॉर्मुलेशन। ये क्या, एक अनोदर फॉर्मुलेशन है, इट इज नॉट सुपीरियर टू न्यूटोनियन मेथड। ये सुपीरियर नहीं है न्यूटोनियन मेथड से, बट देखो इसमें जो कुछ पार्ट हैं जो काफी काम में आएगा, जो सबसे पहला काम तो यही आएगा इसके अंदर कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें आपको डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे, और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स ही क्या होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। यानी जैसे सर्कल के अंदर आपको बात की जाए तो सर्कल के लिए भी अपन बात करेंगे, जैसे सर्कल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो आपको यदि एक्स और वाई पता हो तो आप जेड डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि सर्कुलर कंडीशन में आर क्या होता है, फिक्स होता है। तो फिक्स होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट होने की वजह से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, जेड फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसके साथ साथ अपन क्या करेंगे, जैसे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या हो उसके अंदर दो, तो ऐसे ही अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात करेंगे। तो सिंपल जो आप जैसे जो मेथड है उनके ऊपर बात करेंगे अपन। जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। किसको डिफाइंड करता है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स को, वेरिएबल्स टू डिस्क्राइब डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम। तो किसके लिए अपन बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। जैसे कोई प्लेन है उसके लिए ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है ऑलवेज, और यदि ज्यादा पार्टिकल्स हो तो उसका सम कर देंगे और माइनस कंस्टेंट जितने उसके ऊपर काम कर रहे हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगी। तो बात करते हैं अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। जैसे अलग अलग तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग तरीके से अपन डिफाइन करेंगे, कुछ वैल्यू हैं जो आपको फिक्स पता है जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। तो अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम और लैग्रांजियन मैकेनिक्स काफी इंपॉर्टेंट है और ये चलने वाला है। तो अपन देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम पे बात कर रहे थे तो कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम को देख लेते हैं अपन। जैसे इफ ए पार्टिकल इज मूव इन स्ट्रेट पाथ में पार्टिकल मूव कर रहा है, देयर विल बी कोऑर्डिनेट इज एक्स डिफाइंड। मान लो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स डिफाइंड करोगे, या मान लो वन डायरेक्शन वाई में जा रहा है तो वाई डिफाइंड करोगे, या जेड में जा रहा है तो जेड डिफाइन करोगे। डिफाइंड देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वन, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होगी। मान लो एक फ्री पार्टिकल है मूव इन स्ट्रेट लाइन, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम वन। अब मान लो बट ए पार्टिकल इज मूव्ड इन ए कर्व्ड पाथ, मान लो कर्व्ड पाथ में वो मूव कर रहा है, मान लो पैराबोलिक पाथ, कौन सा है पैराबोलिक, देन कोऑर्डिनेट इज एक्स एंड वाई। उसके कोऑर्डिनेट तो दो गए एक्स एंड वाई, बट देखो y is dependent on x, किस पे डिपेंड रहेगा, जैसे आप x की वैल्यू रखोगे y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपको। तो सो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट क्या है, सिर्फ ओनली एक, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या बोल सकते हो, वन। बिकम्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली वन, जिस तरीके से आप देखो x की वैल्यू रखोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, तो ओनली एक पे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है ओनली x, और उसकी y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे
डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 1। तो इस तरीके की सिचुएशन हो तो आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो। अब देखो बोला जाए इफ पार्टिकल मूव ऑन ए प्री डिफाइंड पाथ, मान लो कि आप बोल दिया जाए कि फ्लैट सरफेस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक सर्कल के ऊपर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, जिस तरीके से डिफाइंड होगी तो उनके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2 होगी। तो जैसे मैंने एक फ्लैट सरफेस पे एक पार्टिकल मान लिया कि ये मूव कर रहा है, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 2 होगी। ऐसे ही आपको जैसे बोल दिया जाए कि जैसे एक स्पीयर है, ठीक है, तो जैसे स्पीयर के ऊपर जैसे क्या होगा, सर्कल जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, वैसे देखो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एक पार्टिकल मूव कर रहा है और रेडियस कितनी इसकी आर है, तो इसको क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो इसमें आपको क्या हो, यदि एक्स और वाई की वैल्यू पता हो तो आप क्या जेड की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आर क्या है कॉन्स्टेंट होता है, आर क्या होता है रेडियस फिक्स होती है ना इस कंडीशन में, तो क्या होगा आर फिक्स होगी, तो आप क्या निकाल सकते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हुए 2, एक्स और वाई। यदि एक्स और वाई की वैल्यू पता तो जेड की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही किसका नाम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कैलकुलेट किस तरीके से करनी है, इसमें आपको प्री डिफाइंड कोई भी पाथ हो तो उसके लिए आपको क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑलवेज कितनी होगी 2 होगी, और यदि 3D स्पेस में है तो कितनी होगी 3। अब अपन बात करते हैं कि एक पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल हो तो अपन किस तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन देखते हैं जैसे आप एक से अधिक पार्टिकल हो, यानी 1 पार्टिकल, तब देखा था अपन ने कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इफ देर आर मोर देन 1 पार्टिकल देन तब कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑल पार्टिकल्स सेपरेटली, अलग अलग आप उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करो, माइनस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स या फिर कंस्टेंट अमंग द पार्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे अपन एग्जांपल देख ले, कंस्टेंट क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस होती हैं, जो भी जैसे मैं बात करता हूं, एक देखो जैसे एक फ्लैट कर्व सरफेस है, ठीक है, ये देखो, ठीक है, इस पे 2 पार्टिकल हैं, ये मूव कर रहे हैं, तो अपने को एक चीज पता है कि अपने को प्री डिफाइंड पाथ है कि सर्कल जो पाथ है उसके ऊपर के एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2। मैंने बोला प्री डिफाइंड जो भी पाथ होंगे उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 2, तो इस पार्टिकल के लिए कितनी होगी 2, और इस पार्टिकल के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 2 होगी। तो अपन को क्या कहा गया है, सम ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑल पार्टिकल सेपरेटली, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 2 + 2, और कोई भी कंस्टेंट लगा हुआ है इसके ऊपर, नहीं लगा हुआ, इसका मतलब -0 इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई 4। तो इस तरीके आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे ए एंड बी आर कनेक्टेड बाई ए स्ट्रिंग विच रिमेन्स टाइट इनक्रेंसिबल लेंथ एक्स ए मूव ऑन टेबल, ए जो पार्टिकल है वो किस पे मूव कर रहा है, टेबल पे मूव कर रहा है, ऑन द टेबल बी इन द स्पेस बिलो टेबल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आपको पता है कि एक सरफेस है, जो 2 डायमेंशनल सरफेस मैंने जैसे बोला था प्री डिफाइंड सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर कोई भी पार्टिकल मूव करेगा उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी कितनी होगी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। और ये किसके अंदर स्पेस में मूव कर रहा है, मैंने बोला 3D स्पेस में मूव करेगा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 3 होगी। अब देखो इस पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, किससे, एक रस्सी से बंधे हुए टाइटली, यानी वो रस्सी क्या है फिक्स है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम को जोड़ सकते हो 3 + 2, ये तो इसकी सेपरेटली डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, और इस पे कंस्टेंट क्या लगा हुआ है, एक जुड़ी हुई है, तो -1 इक्वल्स टू कितना आ गया 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हो, बट आप रिजिड बॉडी की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, और रिजिड बॉडी की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अब जो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक वीडियो डाल भी रखा है अपने YouTube चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हो, क्लासिकल मैकेनिक्स में डाला हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, अपना कंप्लीट डिग्री ऑफ फ्रीडम पर लेक्चर डाल रखा है अपन ने, तो वो देख सकते हो। बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर रिजिड बॉडी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके बाद अपन जनरलाइज फोर्स की बात करेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, उसके बाद अपन लैग्रांजियन पे आएंगे, और फिर उसके बाद स्मॉल थ्योरी ऑफ ऑसिलेशन देखेंगे। तो अब जैसे 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 वीडियो बन रहे हैं वैसे वैसे क्लासिकल के टॉपिक आप असाइनमेंट सोल्व कर सकते हो साथ साथ में। तो लैग्रांजियन स्टार्ट हो चुका है आज से, तो अपन
जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर 101% अच्छा टॉपिक लैग्रांजियन से जो आगे जो टॉपिक आता है वो करेंगे और आपको नेट एग्जामिनेशन या फिर टीफर जेस्ट में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखो, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो टॉपिक है वो अपन वीडियो डाल रखा है क्लासिकल मैकेनिक्स वाले पार्ट के अंदर, आशीष सर का है जो डाल रखा है यूट्यूब चैनल पे, वो देखें, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम वापस बताने से कोई मतलब नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वीडियो है वो कंप्लीट अपन ने उस यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, तो पहले वो यूट्यूब चैनल पे जाके अपने यूट्यूब चैनल पे जाके और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जो वीडियो है वो कंप्लीट देखें, आपको उससे डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट समझ में जरूर आएगा। थोड़ा बहुत अपन ने बताया भी था, रिजिड बॉडी का नहीं बताया, वो उसमें बताया हुआ है रिजिड बॉडी का अच्छे से। तो अपन देखो एक बात करते हैं, देखो अब जैसे आगे अपन बढ़ते हैं तो अपना जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो पहला अपन लेते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वली होते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। देखो दीज आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, ये डिपेंड नहीं करते किसी पे भी, दीज आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट और वेरिएबल्स, ठीक है, एक ही बात है दोनों में से, ठीक है। उसके साथ साथ यूज्ड इन डायनामिक्स ऑफ सिस्टम, जो किसमें यूज होते हो, डायनामिक्स ऑफ सिस्टम में, ठीक है। देखो दीज मे बी डिस्टेंस, क्या हो सकते हैं, ये डिस्टेंस हो सकते हैं भाई, दूरी हो सकती है, डिस्टेंस हो सकते हैं। उसके साथ साथ एंगल हो सकता है, यानी ठीक है, जैसे कोई सिंपल पेंडुलम जा रहा है तो उसके अंदर एल फिक्स है, तो देखो जैसे आर तो फिक्स हो गया और थीटा उसका वेरिएबल है यानी थीटा, और ये नहीं जरूरी है कि डिस्टेंस और थीटा हो, सम अदर वेरिएबल और कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं ये, ठीक है। अब देखो जैसे कि आप कंसेप्ट जो क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी में पढ़ते हो, डेल्टा क्यू आई अपॉन डेल्टा क्यू जे, किस तरीके से डेल्टा आई जे यूज होगा आगे, जब इस इंडिसेज इक्वल होंगी है तो वैल्यू कितनी होगी, 1, और इंडिसेज नॉट इक्वल्स टू इक्वल होंगी तो क्या होगी, वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब देखो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना भाई, यहां का देखो, नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसके इक्वल होंगे, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी होगी उतने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल पेंडुलम की जैसे बात करें अपन, जो मान लो ये एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल, ठीक है। तो देखो जैसे क्या बोल सकते हैं कि यदि एल नोन है, क्या है, नोन है, तो एल इक्वल्स टू क्या है, कॉन्स्टेंट, एल इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो एल कॉन्स्टेंट है, तो यदि एक्स इंडिपेंडेंट है, यदि x इंडिपेंडेंट है तो y डिपेंडेंट होगा, क्योंकि y की वैल्यू अपन क्या निकाल सकते हैं, x से निकाल सकते हैं। यदि मान लो कि y इंडिपेंडेंट है तो y इंडिपेंडेंट है तो x डिपेंडेंट होगा, क्योंकि x की वैल्यू y और l से निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि y की वैल्यू क्या आ गई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की, या तो x या y आप कंसीडर करके चल सकते हो। बट यदि देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई इसमें से, एक ही तो इंडिपेंडेंट है, एल फिक्स है, वाई इसका मान निकाल सकते हैं इससे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 1। तो इसी तरीके से देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आई है और इसमें जनरलाइज कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया, एक्स हो गया वाई। ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हुई, कार्टेशियन में बात की अपन ने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात, ठीक है। मान लो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एल तो क्या हो गया, आर तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, आर क्या हो गया, R क्या है यहाँ पे, फिक्स है, फिक्स्ड है, R फिक्स्ड है, तो वेरिएबल क्या है, थीटा वेरिएबल है। इसका मतलब जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, QI इक्वल्स टू थीटा। और एक चीज याद रखनी है हमेशा, देखो मैं साइड में लिख भी देता हूं, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट मोस्टली यूज थीटा। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर आपको हमेशा जो क्यू आई है
यानी जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो आपको थीटा यूज करके चलना है जनरली। देखो जनरली आपको मे बी ऑलवेज आपको क्या यूज करना होगा, क्यू आई इक्वल्स टू थीटा, क्या यूज करके चलना पड़ेगा थीटा। तो ये तो बात हुई अपनी जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थे उनके लिए। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट भी क्या होते हैं, सेम जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उनके इक्वल ही होते हैं, और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, वेरिएबल। या देखो ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीटली, आप नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, तो है ना। अब अपन देखते हैं क्या कि लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से लिखी जाती है और इसका क्या यूज है, और किस तरीके से लैग्रांजियन फाइंड आउट किया जाता है, और उससे क्या क्या वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अपन देखेंगे जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड वेलोसिटी और जनरलाइज्ड फोर्स, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे, साथ साथ जो एक्शन पे क्वेश्चन आया हुआ गेट में वो भी देखते हैं। तो चलो अपन देखते हैं अब जनरलाइज्ड वेलोसिटी, मोमेंटम और फोर्स के बारे में। तो अब अपन देखेंगे कि जनरलाइज्ड जो वेलोसिटी है वो क्या है। देखो जनरलाइज्ड वेलोसिटी को जनरली किससे लिखा जाता है, क्यू आई डॉट, मतलब जो जनरलाइज्ड जो कोऑर्डिनेट है उसका डेरिवेटिव, यानी क्यू आई डॉट टी, ठीक है। इट कैन बी लीनियर और एंगुलर, ये क्या हो सकती है, लीनियर भी हो सकते हैं और एंगुलर भी हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो सकती है, लीनियर और एंगुलर दोनों हो सकते हैं, और इट मे बी रिप्रेजेंट सम अदर क्वांटिटी, क्या कर सकते हैं, सम अदर क्वांटिटी को भी ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए मैंने बताया था सम अदर हो सकता है कुछ ना कुछ, ठीक है। अब देखो मान लो कि क्यू आई क्या है, डिस्टेंस है अपनी, क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में यदि एक बार डेरिवेटिव किया जाए तो अपने क्या मिलता है, लीनियर वेलोसिटी की मिलती है, लीनियर वेलोसिटी। तो ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, तो लीनियर वेलोसिटी है। मैं बोलूं कि यदि एंगल है, क्या है, एंगल है, क्या है, एंगल, तो जनरलाइज्ड यदि कोऑर्डिनेट एंगल है तो उसका एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। तो ये क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं क्या कहता हूं, यदि डिस्टेंस है, यदि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, यदि एंगल है तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। इन चीजों को ध्यान रखो, इन चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं लैग्रांजियन की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लैग्रांजियन। वैसे तो आप सीख चुके हो काफी इतना तो कि लैग्रांजियन लिखा कैसे था, लैग्रांजियन लिखने का तरीका है एल बराबर टी माइनस वी, वेयर टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ये जनरलाइज्ड पोटेंशियल होता है, क्या होता है, जनरलाइज्ड पोटेंशियल होता है। अब देखो जो एल होता है वो फंक्शन क्या होगा, क्यू आई, क्यू आई डॉट और टी, ये तीनों का फंक्शन होता है। इसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी क्यू आई, क्यू आई डॉट और टी का फंक्शन होती है। देखो एक चीज और ध्यान, जितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होंगे उतने ही अपन लैग्रांजियन लिख सकते हैं। तो देखो नीचे लाइन लिखी है, एल हैज नो इंपोर्टेंस बिकम्स इट इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता है, ठीक है। देखो फॉर वन सिस्टम, एक सिस्टम के लिए क्या करते हैं, वी हम कैन बी डिफाइंड मैनी लैग्रांजियन, एक सिस्टम के लिए अपन बहुत से लैग्रांजियनों को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि क्यू आई बराबर क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, डॉट 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 QF, where QF क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मे बी आपको जनरली करना क्या है, सबसे पहले लैग्रांजियन लिखने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल को पता लगाना है, फिर तुरंत आपको लैग्रांजियन लिख सकते हो आप। और इन थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है कि जहां जहां यूज हो रही है उनको, क्वेश्चन आया हुआ जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे भी और जनरलाइज्ड जो मोमेंटम है उस पर तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन अब देखते हैं क्या जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो देखो जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होगा, जनरलाइज्ड जो मोमेंटम है वो अपन देखते हैं। देखो तो अब हम देखेंगे कि जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होता है। देखो जनरलाइज्ड मोमेंटम जैसे जनरलाइज्ड वेलोसिटी है उसी की तरह है। देखो जनरलाइज्ड मोमेंटम क्या होता है, जनरलाइज्ड मोमेंटम को आप दूसरे वर्ड्स में आप क्या बोल सकते हो, कैनोनिकल मोमेंटम या कंजुगेट मोमेंटम भी आप बोल सकते हो इनको, क्योंकि कैनोनिकल मोमेंटम और कंजुगेट मोमेंटम की रूप में टर्म के रूप में भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। अब देखो वैसे जैसे लीनियर वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी थी उसी डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग थी, जैसे एंगुलर वेलोसिटी थी वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग थी, एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग थी, उसी तरीके से जो मोमेंटम होगा वो भी एंगुलर हो सकता है और कैन भी लीनियर हो सकता है। तो देखो पी आई जो कैनोन जनरलाइज जो मोमेंटम है कैन बी लीनियर
और एंगुलर और मोमेंटम और कैन बी सम थिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो ये देखो पी आई, जैसे पी आई को लिखा जाएगा तो डेल बाई डेल्टा क्यू आई डॉट, जनरली इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब मान लो कि ये पी एक्स है तो कैसे लिखा जाएगा, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट, और पी थीटा जैसे थीटा है क्यू आई डॉट की जगह, तो डेल एल अपॉन डेल्टा क्यू थीटा। डायमेंशन ऑलवेज पी आई क्यू के, ऑलवेज याद रखना है एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन रहेगी, ऑलवेज किसकी रहेगी, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन रखेगा, ठीक है। अब जैसे देखो इफ लैग्रांजियन इन टर्म ऑफ वी, किसकी टर्म में हो, वी की टर्म में हो, तो वेलोसिटी की टर्म में हो, तो देन पी आई इक्वल टू डेल अपॉन डेल्टा वी आई, ठीक है। अब देखो देखते हैं जरा अपन कुछ क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं, डिस्कस इसके ऊपर आए हुए जैसे आगे करेंगे अपन, नेट नेट में आए हुए क्वेश्चन वगैरह वगैरह में क्वेश्चन आए हुए उनको करेंगे। पर देखो जैसे एक बार आपको मैंने दो एग्जाम्पल करवा देता हूं, जैसे जैसे एक एग्जाम्पल बात करते हैं अपन, पहले सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, क्या पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है अपनी, वी एक्स, ठीक है। तो अपने को जनरली एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन अभी, मान लो अपने को लैग्रांजियन लिखना है तो लैग्रांजियन कैसे लिखेंगे, एल बराबर टी माइनस वी, जनरल जनरल लिख रहे हैं अभी। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह माइनस वी एक्स, ठीक है पोटेंशियल आ गया। अब देखो जैसे कि अपन क्या करना है, वेलोसिटी की टर्म में पूछा है, मान लो कि जो ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे पी पूछा है तो पी आई इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, डेल एल अपॉन डेल्टा वी, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग वी के रिस्पेक्ट में इसका क्या करना है, एक बार डेरिवेटिव करना है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका करोगे तो क्या आएगा, इसका करोगे तो आप क्या आ जाएगा, आपके पास डेल एल अपॉन डेल्टा वी 2m v by 2 cancel m v, ठीक है। ये तो जनरल एग्जाम्पल था, इसी टाइप से अपन एक एग्जाम्पल और करते हैं देखो, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी फिर अपन क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट वगैरह में। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अपने को लैग्रांजियन दिया हुआ है, जैसे l इक्वल्स टू हाफ m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये अपने को लैग्रांजियन गिवन है, ठीक है, और माइनस का जो ये लैग्रांजियन अपने को गिवन है, तो देखो मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पी आर निकालना चाहता हूँ सबसे पहले, पोल जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर है, तो क्या करोगे आप, डेल बाई डेल्टा किसके रिस्पेक्ट में, यदि आर है तो आर डॉट के, आर डेल बाई डेल्टा आर डॉट क्या आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो देखो आर डॉट के रिस्पेक्ट में करना तो इसका तो जीरो, ये क्या आएगा, टू से टू कैंसिल एम आर डॉट, ठीक है। तो देखो अब एक काम करते हैं, अपने को जैसे निकालना है पी थीटा, क्या निकालना है, पी थीटा, तो डेल एल अपॉन बाई डेल्टा डेल थीटा, थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग एक बार डेरिवेटिव कर दो तो क्या आएगा, थीटा की कॉरस्पॉन्डिंग करोगे तो 1 बाई टू आर स्क्वायर ऐसे कैसे, और 2 थीटा डॉट, तो 2 से 2 कैंसिल क्या जाएगा, आर स्क्वायर थीटा डॉट। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जनरलाइज जो मोमेंटम है वो कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। अपन किसनों को देखेंगे, जो आपको जनरलाइज जो जैसे पी आर पूछा है तो आर डॉट के रिस्पेक्ट में, थीटा पूछा है तो पी थीटा के रिस्पेक्ट में, जैसे एक्स पूछा होता पी एक्स पूछा होता तो एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, और यदि पी वाई पूछा हो तो वाई डॉट के रिस्पेक्ट में, जिस तरीके से आप कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, जनरलाइज्ड मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से अपन जनरलाइज्ड फोर्स को भी देखेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट अपन जनरलाइज्ड फोर्स को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेट में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चन पे। तो अपन एक तो दो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपको एक क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है वी एक्स इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम म्यू वी स्क्वायर, एक साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है एल इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई डॉट माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं यहां से पूछ रहा हूं कि आप जनरलाइज जो मोमेंटम निकालो वो पी आर व पी थीटा फाइंड आउट करो, क्या करो पी आर व
पी थीटा फाइंड आउट है, करो। इसी के साथ साथ जैसे इसका आपको यदि मोमेंटम, जनरलाइज मोमेंटम चाहिए, यदि पी आई चाहिए आपको, जनरलाइज मोमेंटम चाहिए, तो देखो करना क्या है। मैंने अभी बोला जनरलाइज मोमेंटम निकालने के लिए वेलोसिटी के टर्म में है ये, हाफ एम ओमेगा एस टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी है। तो सबसे पहले जो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको लैग्रांजियन चाहिए, क्योंकि आपको जो पी वी करवाया गया है, जो जनरलाइज मोमेंटम, वो क्या करवाया गया है, डेल एल अपॉन डेल्टा वी, यही करवाया गया है। अब देखो यदि पहले लैग्रांजियन लिखना है तो एल इक्वल्स टू क्या होता है, टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आपको क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ एम वी स्क्वायर, फटाफट। उसके बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है हाफ माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ एम म्यू वी स्क्वायर। इसमें भी वेलोसिटी टर्म है और इसमें भी वेलोसिटी टर्म है, इसको एक साथ करो, एल इक्वल्स टू हाफ कॉमन आ गया, एम साथ में दोनों में कॉमन आ गया, तो बचा क्या वी स्क्वायर, भी दोनों में कॉमन है तो वी स्क्वायर को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा वन माइनस, क्योंकि देखो ये ब्रैकेट होगा यहाँ पे, ठीक है, तो वन माइनस म्यू बचेगा और माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे कैसे एज इट इज रहेगा। तो इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो आपको जनरलाइज्ड मोमेंटम मिल जाएगा, तो ये टर्म तो जो गई जीरो, क्योंकि वी के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में करोगे टू से टू कैंसिल किया, तो टू वी होगा, तो टू से टू कैंसिल, क्या बचेगा सिर्फ एम एम ऐसे कैसे, उसके साथ साथ v और 1 माइनस म्यू, तो ये क्या आ गया अपना जनरलाइज्ड मोमेंटम आ गया। तो इस तरीके से आप जनरलाइज्ड मोमेंटम की कैलकुलेशन कर सकते हो, आगे भी अपन करेंगे। देखो अब एक क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा अपन जैसे जैसे बढ़ेंगे आगे आगे थोड़ी सी बढ़ती जाएगी इनकी कैलकुलेशन। देखो जैसे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वैल्यू क्वेश्चन में लैग्रांजियन की वैल्यू दी हुई है कि एक्स डॉट वाई डॉट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बट पूछा इस बार पी आर और पी थीटा है, तो डायरेक्टली आपके पास पी आर आर डॉट की रिस्पेक्ट में अवकलन नहीं कर सकते इसका ना थीटा डॉट, तो पहले लैग्रांजियन को क्या करेंगे, वी कैन एक्सप्रेस द लैग्रांजियन इन टर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले लैग्रांजियन को एक्सप्रेस करना होगा किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वो आपको आना चाहिए पहले, क्योंकि देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स होता है वो कितना होता है, आर कॉस थीटा, यही होता है, उसके साथ y क्या होता है, r sin थीटा। ये दो चीज पता होने के साथ साथ आपको एक चीज और पता होना चाहिए, क्या चीज पता होनी चाहिए, कि देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, x डॉट फाइंड करना और y डॉट फाइंड करना, यानी एक बार तो आप डेरिवेटिव करो x का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो पहले r का करो, तो r डॉट cos थीटा ऐसे कैसे माइनस, क्यों, क्योंकि sin थीटा करना नहीं इस बार, r ऐसे कैसे कॉस थीटा का साइन थीटा और साथ में क्या होगा थीटा डॉट, ये आएगा। अब जैसे आपको वाई डॉट करना है तो वाई डॉट कैसे करोगे, आर डॉट साइन थीटा और प्लस आर कॉस थीटा और थीटा डॉट। आपको एक रिलेशन और पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस जो वाई स्क्वायर है इसकी वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर, तो जरा इसके अंदर रखो एक बार लैग्रांजियन के अंदर कैसे रहेगा, देखो स्क्वायर नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां तो क्या जाएगा आर स्क्वायर, एक्स डॉट वाई डॉट की जगह क्या लिखोगे आप, तो लैग्रांजियन को एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हो कि आर डॉट कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा थीटा डॉट और मल्टीप्लाई आर डॉट साइन थीटा प्लस r cos थीटा और माइनस कॉमन आ जाएगा r स्क्वायर, यह आपका लैग्रांजियन आ गया। अब इसमें r और थीटा डॉट है, तो अब आसानी से क्या निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो pr और p थीटा। तो पहले अपन बात करते हैं किसकी, pr की, है ना, उसके बाद अपन बात करेंगे। देखो ऊपर वाला मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि तो मुझे कैलकुलेशन करनी है। देखो सबसे पहले आर डॉट, तो आर डॉट दोनों में तो पहले मल्टीप्लाई कर लो इनको, देखो पहले इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, आर डॉट स्क्वायर, क्या आएगा आर डॉट स्क्वायर और कॉस थीटा और साइन थीटा, फर्स्ट टर्म आ गई। अब इसी टर्म को क्या करना है, इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा प्लस आर डॉट आर
और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इस टर्म को किससे करना है, दोनों से, तो माइनस क्या आएगा आर और आर डॉट और साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस आर स्क्वायर और साइन, सॉरी इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साथ में थीटा डॉट और आएगा, क्या आएगा थीटा डॉट, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस का आर स्क्वायर, आर से आर इसको मल्टीप्लाई करो तो आर से आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, और उसके साथ साथ क्या आएगा देखो थीटा डॉट और माइनस आर स्क्वायर। ये आपके पास लैग्रांजियन एक्सप्रेस हो गया है कंप्लीट रूप से, किसके अंदर एल आर और थीटा के अंदर। यहां से भी आप डेरिवेटिव कर सकते थे पर थोड़ा इसको एक्सप्रेस कर दिया ताकि इजी आप कैलकुलेशन देख सके। सबसे पहले पी आर निकालना है, क्या निकालना है पी आर, तो मुझे डेरिवेटिव करना होगा पी थी आर के रिस्पेक्ट में, किसके डेल एल बाई डेल्टा आर डॉट, ये एल रहा, आर डॉट के रिस्पेक्ट में यदि आप डेरिवेटिव करोगे तो यहां से क्या आ गया, यहां से मिलेगा मुझे टू आर डॉट और कॉस थीटा और साइन थीटा, साथ में यहां से क्या मिलेगा मुझे प्लस आर कॉस स्क्वायर थीटा, और मुझे यहां से क्या मिलेगा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट, ठीक है। ये आ गया मेरा पी आर, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से पी थीटा को कैलकुलेट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको डेल एल बाई डेल्टा थीटा डॉट, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में आकलन करना है, तो ये जीरो हो जाएगा पहला, ये दूसरा टर्म जीरो, ठीक है, तो तीसरी टर्म आएगी ये, ठीक है, सॉरी उसमें आर में एक चीज और ध्यान रखना है, यहां पे इसका और होगा, सॉरी आर डॉट के रिस्पेक्ट में ना इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे डेरिवेटिव तो यहां से देखो थीटा डॉट का वन हो जाएगा, ये टर्म आएगी, उसके साथ साथ ये वन हो जाएगा और बाकी सभी टर्म ऐसे की ऐसी एज इट इज बचेंगी। तो इस तरीके से पी आर और पी थीटा की आप कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली, आपको बस पता होना चाहिए किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको, बाकी अपन देखते हैं। देखो किस तरीके से यदि कार्टेशियन में फॉर्म में लैग्रांजियन दिया हो और पी आर और पी थीटा लिखा हो तो पहले आपको लैग्रांजियन को एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की टर्म में एक्सप्रेस करना है, उसके बाद आपको पी आर और पी थीटा कैलकुलेट करना है। अब अपन एक बात और देखते हैं, देखो जो यूलर इक्वेशन का आपने नाम सुना होगा, यूलर इक्वेशन का, यूलर इक्वेशन में लैग्रांजियन ने क्या नोटिस किया था, लैग्रांजियन ने सिर्फ इतना नोटिस किया था कि एक्स को उसने टी से रिप्लेस किया, वाई को क्यू आई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्लेस किया और एफ को उसने एल या फिर टी माइनस वी से रिप्लेस किया, तो उसे एक न्यूटन्स जो इक्वेशन मोशन है उसके जो इक्वल एक इक्वेशन ऑफ मोशन मिली, जिसे क्या कहा जाता है यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, डी बाई डी टी, क्या होती है डी बाई डी एक्स, ठीक है, डी एफ बाई डी वाई डॉट माइनस डेल एफ अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू जीरो, ये क्या कहलाती है यूलर इक्वेशन। तो इसमें एक्स की जगह क्या पुट करना है टी, तो डी बाई डी टी, एफ की जगह एल तो डी एल बाई डेल, नीचे y डॉट की जगह y की जगह q तो y डॉट की जगह q डॉट, तो q डॉट माइनस डेल एफ डेल एल बाई डेल डेल इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या कहलाती है अपनी यूलर लैग्रांजियन इक्वेशन इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स इक्वेशन, किसके इक्विवेलेंट होती है न्यूटन्स इक्वेशन और के इक्विवेलेंट होती है। तो ये इस टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन है, इस पे भी आपको बेस्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे काफी, तो बस बेसिक बेसिक चीजों को ध्यान में रखें, बाकी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा 101% बात है, चाहे कोई भी असाइनमेंट सोल्व कर लेना आप, कहीं से भी कोई एग्जांपल सोल्व कर लेना 101% आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो अब जैसे आपने जनरलाइज मोमेंटम कर लिया, इक्वेशन ऑफ मोशन कर ली इसके अंदर लैग्रांजियन इक्वेशन में, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं काफी, उसके बाद अपन देखेंगे क्या लैग्रांजियन की क्वेश्चन लैग्रांजियन निकालना सिखाएंगे आपको किस तरीके से लैग्रांजियन निकाल सकते हैं कोई यदि क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसमें। तो अब चलो क्वेश्चन पे देखते हैं अपन।